अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ कामरान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टैबलो यूज़ करते हुए बटरफ्लाई चार्ट किस तरह बना सकते हैं। बटरफ्लाई चार्ट सीखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि टैबलो में बटरफ्लाई चार्ट किस तरह बनाई जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि बटरफ्लाई चार्ट बनाई कब जाती है। बटरफ्लाई चार्ट हम उस वक्त बनाते हैं जब हमें दो परसेंटेज का कंपैरिजन एक साथ दिखाना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम पॉपुलेशन मेल वर्सेस फीमेल दिखाना चाहते हो बाय रीजन ऑफ एनी कंट्री, और या फिर हम इलेक्शन रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट दिखाना चाहते हो मेल वर्सेस फीमेल कि कितना टर्नओवर रहा मर्दों का औरतों के मुनासिबत से, तो ये बटरफ्लाई चार्ट यूज़ की जाती है। तो चलिए टैबलो में हम देखते हैं किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने पहले से डेटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता चलूँ। मैंने एक्सेल के अंदर डेटा प्रिपेयर कर लिया है। मेरे लेफ्ट साइड पर रीजन है और मेल फीमेल पॉपुलेशन एंड मेल पॉपुलेशन, देखिए ये परसेंटेज के अंदर मैंने डेटा इंसर्ट किया है। सेम डेटा मैं टैबलो में यूज़ करूँगा। तो हम टैबलो ओपन करते हैं अपनी फाइल। सबसे पहले मैं सबसे पहले इसको एक्सेल से कनेक्ट करूँगा। एक्सेल से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने डेस्कटॉप पे डेटा सेव किया था उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। ओपन करते ही मेरे पास जो डेटा था वो एक्सेल में जो डेटा था वो मुझे टैबलो में आ जाएगा। इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। हम शीट पर जाएंगे और देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स डायमेंशन एज एन रीजन और मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन एज ए मेजर आ गया है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रीजन और मेल फीमेल पॉपुलेशन एंड मेल पॉपुलेशन भी ले लेते हैं। और हम यहाँ से, क्योंकि मुझे तो ये इन अ फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई चाहिए तो टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से मेजर्स को हटा दूँगा। ये मेजर जो है मैं डायरेक्टली अपने कॉलम्स में ले आता हूँ दोनों। तो देखिए इस तरह के दो फॉर्म क्रिएट हो गए। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको सॉर्ट भी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड पर फीमेल पॉपुलेशन की चार्ट है। मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। राइट क्लिक करेंगे, एक्सेस सेटिंग में जाएंगे और सबसे पहले इसको मैं रिवर्स कर लेता हूं और इसको भी फिक्स्ड एक्सेस कर देता हूं। ज़ीरो से स्टार्ट हो एंड कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। इसको मैं क्लोज कर, देखिए ये फिक्स हो गया। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेंटर में इसकी वैल्यूज़ पॉपुलेट करानी है, तो मैं एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करूँगा। नाम दे देते हैं सेंटर एक्सेस और इसको वैल्यू आप 0 दे दें। इसको ओके करते हैं। अब ये वैल्यू, ये जो आपने अभी मेजर क्रिएट किया है, इसको इन बिटवीन में लेकर आ जाएं और यहाँ पर आने के बाद फिर इस एक्सिस की सेटिंग्स में जाएं। इसका नाम आप यहाँ से रिमूव कर दें, सॉरी, और इसके टिक मार्क्स वगैरह आप नन कर दें। इसको क्लोज़ करें और ये सेंटर वाले के ऑप्शंस में जाके इसको आप टैक्स कर लें। फिर इसके बाद सिंपल आप दोबारा एक्सिस पे राइट क्लिक करके इसको डुअल एक्सिस कर दें। डोंट वरी, चार्ट आपकी चेंज नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे दोबारा आप फीमेल ऑप्शंस पे जाके चार्ट टाइप जो है उसको बार में कन्वर्ट करें। इस तरह मेल चार्ट में जाके आप मेल चार्ट को भी बार में कन्वर्ट कर लें। और या अब यहाँ पे ये जो नाम है दोबारा मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको राइट क्लिक करके इनको हाइड कर दूंगा। और ये जो नेम है इधर, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको बोलूँगा सिंक्रोनाइज एक्सेस। अब देखिए नाम इधर आ रहे हैं मेरे पास। अब सेंटर वाले के पास जाके मैं इसकी मेजर की डिटेल हटा के इस पर रीजन एज ए टैक्स सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये रीजन नाम पॉपुलेट हो जाएगा। इसी तरह मुझे राइट साइड पर भी करना है, तो राइट साइड पर भी करने के लिए मैं दोबारा अपना सेंटर एक्सेस को लूँगा और लास्ट में इसको पेस्ट करूँगा, ड्रैग कर लूँगा। यहाँ पर दोबारा देखिए सेंटर एक्सेस की दोबारा एडिट सेटिंग्स में जाइए। यहाँ पर आप इसका नेम दोबारा डिलीट कर दीजिए, को फिक्स कर दीजिए, सॉरी इसको फिक्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसके टिक्स मार्क वगैरह आप इसको नन कर लीजिए, दैट्स ऑल। फिर दोबारा इस, ये देखिए ये शेप चार्ट में है, तो इसको भी यहाँ पर हम जाके इसको भी टैक्स कर देंगे। और टैक्स में रीजन हमारे पास लास्ट वाली में नहीं सेलेक्टेड है, तो हम इसको भी रीजन टैक्स पे ले आएंगे। तो यहाँ पे टैक्स
दिखना शुरू हो जाएगा। इसको भी मुझे क्या करना है, अब राइट क्लिक करके डुअल एक्सिस बोलना है, और फिर बाद में दोबारा इस पर राइट क्लिक करके वन मोर टाइम इसको सेंक्रोनाइज एक्सिस बोलना है। देखिए यहाँ पर स्पेस आ गया, तो बेसिकली क्या हुआ कि जो पुराना वाला एक्सिस था वो सेट नहीं हुआ हुआ जीरो पे। तो हम क्या करेंगे, एडिट एक्सिस में दोबारा जाएंगे और इसको फिक्स्ड करके इसको यहाँ पे वैल्यू इसकी जीरो कर देंगे। सो दैट्स ऑल। इस तरह हमारी, देखिए यहाँ पे कलर डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो हमारा मेजर पे कलर था इसको हम रिमूव कर देंगे। तो आप देखिए अब हमारा बटरफ्लाई चार्ट रेडी है। इसको जाके मैं यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लूँगा तो ये हमें क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी लेकिन हमारे पास मेजर वैल्यू परसेंटेज में नहीं, वैल्यूज़ में ही नज़र आ रही है। कुछ नहीं करना, इसके लिए राइट क्लिक करें अपने मेजर पे, उसको फॉर्मेट में जाएं और यहाँ पे एज एन परसेंटेज सेलेक्ट कर लें। सेम चीज़ आप अपनी मेल पॉपुलेशन के लिए भी करें, परसेंटेज पे इसको क्लिक करके ऑटोमेट परसेंटेज कर लीजिए। देखिए अब आपका रिजल्ट बराबर आ गया है और आपकी चार्ट बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मैं बटरफ्लाई चार्ट रेडी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है या कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक